बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ये जो मैंने कल आपके साथ पराठे शेयर किए थे, तो बस हम लोग दोपहर के टाइम वही खाने लगे थे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़ा आया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। और जी, ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम हम लोग बाहर निकल गए थे, तो हम लोग पांडा आ गए थे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और जी, ये देखें, कोई इतना रश वगैरह भी नहीं था, क्योंकि अब कर्फ्यू टाइमिंग कम हो गई है, तो उसकी वजह से लोग आराम से डेली बेसिस पे जब चाहें शाम तक आ सकते हैं, 8 बजे तक। कैसे तो वैसे ही खुल जाएगा पूरा, तो अब इतना रश वगैरह नहीं होता, मॉल्स में भी नहीं। बाहर बस ऑफिस टाइम का रश होता है शाम में या सुबह में, अदरवाइज़ मॉल्स वगैरह में इतना रश नहीं होता। आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं प्रिकॉशंस के साथ। और जी, बस हमने शॉपिंग कर ली थी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी बस, चिकन ली, वेजिटेबल्स ली, और बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। वेजिटेबल्स वगैरह के ही आजकल मसला बना हुआ है, तो हमने सोचा कि पांडा या उथेम वगैरह से ही ले ली जाए, वेजिटेबल्स तो ज़्यादा बेहतर है। तो जी, हम आ गए थे घर, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये हम दूध लाए थे साफ़ी का, और तन्मिया की चिकन, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे इसके। नूडल्स थी मेरी, और गोभी ली थी, मैंने सिरका लिया था। मैं सिरके से वेजिटेबल्स धो के रखती हूँ, थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ वेजिटेबल्स को, और फिर उनको निकाल कर तो उनका पानी सूख जाए तो फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। गाजरें ली थी थोड़ी सी, सब्ज़ मिर्चें ली, बंद गोभी ली, लीमू लिए, और शिमला मिर्च ली, और अंगूर थोड़े से लिए थे। बस यही कुछ था। मैं तो लाजमी सिरके से वॉश करके रखती हूँ वेजिटेबल्स, जब से ये आया है वायरस, तो बेहतर रहता है इस तरह। और जी, वापस आ गए थे हम लोग पांडा से, तो यहाँ पे हस्बैंड बनाने लगे हैं शिकंज बीन लेमनेड, तो जो लीमू लाए थे वो हम लोग वो डाल रहे हैं। अब हम लोगों ने लेमन जो है वो येलो वाला यूज़ करना स्टार्ट किया है। ग्रीन वाले पहले हम लोग करते थे, लेकिन अब येलो वाले भी स्टार्ट करना शुरू किया है, तो इनसे भी सही बन जाती है, अच्छी टेस्ट आता है उसका, सेम बिल्कुल ग्रीन वाले जैसे ही आता है और मज़े की लगती है। आजकल तो ऐसी खट्टी और ठंडी चीज़ें खा करके गला ही ख़राब हो रहा है, और गर्मी इतनी है कि ठंडी और खट्टी चीज़ मतलब रहा भी नहीं जाता, कि ठंडा ना हो पानी या लस्सी या इस तरह की कोई चीज़, गर्म भी नहीं पीने को दिल करता। तो बस आजकल गला ही ख़राब हो रहा है, और गला ख़राब होता है तो डर लगना शुरू हो जाता है कि अल्लाह खैर करे। बस अजीब सी हालत होती है फिर जब गला ख़राब हो जाए या खांसी आए। तो बस इसमें चीनी ऐड कर दी थी, लीमू ऐड कर दिया था, अब थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। आप लोग भी काला नमक ऐड करते हैं या नहीं? मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा दूसरा नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट। काले नमक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा ऐड करें तो वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट आता है उसका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो, इसलिए तो थोड़ा सा ऐड करें तो काफ़ी रहता है वो। और ये जो येलो वाला लेमन है, इसको आप आधा भी यूज़ करें तो वो भी काफ़ी होता है, वो पूरा इतना वो माशाल्लाह उसमें से जूस निकलता है येलो वाले में से, कि पूरा डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो आधा ही काफ़ी होता है एक जग के लिए। और आप सब लोग बताएं, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, इंजॉय करते हैं आप लोग या नहीं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस देखा करें, कमेंट किया करें, लाइक भी किया करें, और जो सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अब बस यहाँ पर जामिश्री ऐड कर देंगे। ज़्यादातर हम इस तरह बनाते हैं कि जामिश्री ऐड कर देते हैं, बहुत कम होता है कि जामिश्री ऐड ना करें, ज़्यादातर तो ऐड कर देते हैं हम लोग जामिश्री, मज़े का लगता है उसके साथ। हाँ जी, तो ये हमारी शिकंज बीन लेमनेड तैयार हो चुका है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मी का मौसम है, ठंडा अच्छा लगेगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह कल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।